हेलो माय मीना, होम मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं गुजिया बनाने। होली का समय कल ही है, आज जलेगा होलिका। तो ये हमारा देखिए 100 ग्राम किशमिश है और 100 ग्राम ये काजू है, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये बादाम है 100 ग्राम, इसको भी हमने काट लिया है। ये पिस्ता है, अभी पिस्ता भी तोड़ लेंगे। और ये हमने कद्दूकस किया है, गरी है। तो अब इसको हम टाल के इसका हम मैदा बता रहे हैं कि तो ये हमारा मैदा है, हम इसी से नाप ले रहे हैं। ये हमारा 250 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम और हो गया, तो ये हमारा कुल टोटल 500 ग्राम हो गया। तो ये हमारा घी है, घर का घी है, ये देखिए कितना बढ़िया। तो इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे हाथ से। तो ये देखिए अभी सही से मोयन नहीं है, तो और थोड़ा सा हम घी एक चम्मच मिला रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा मिल गया है, ये देखिए कितना अच्छा मुट्ठा बन गया है। तो अब हम इसको गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, क्योंकि इससे हमारा आटा अच्छी तरह फूल जाता है। तो देखिए हमने आटा अच्छी तरह गूंथ लिया है। देखिए रोटी से थोड़ा इसको टाइट गूंथना है। अब इसको हम ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद तो अब हम चल रहे हैं सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे चूल्हे के तरफ। तो देखिए हमने गैस जला दिया है और कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे घी, एक चम्मच घी हमने डाला है। तो ये देखिए हमारा 125 ml सूजी है, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमारा घी देखिए पिघल गया है, अब इसको हम इसी में डाल के रोस्ट कर लेंगे ब्राउन। तो देखिए हमारा अभी थोड़ा सा और हल्का ब्राउन करेंगे। तो देखिए हमारा ब्राउन हो गया है सूजी, अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। तो अब हम सभी ड्राई फ्रूट को डाल के रोस्ट कर लेंगे। तो बिना ऑयल के इसको रोस्ट करना है हल्का सा 2 मिनट। तो देखिए हमारा हो गया रोस्ट, इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम इसी सूजी वाले में निकाल लेंगे। अब इसी में हम किशमिश भी डाल के रोस्ट कर लेंगे। और ये हमारा गरी का बुरादा हमने खुद अपने घर पे घिस लिया है और इसको भी हम 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए ताकि। तो देखिए हमने इसको भी रोस्ट कर लिया है, नारियल को भी। अब इसको हम इसी थाली में इसको भी निकाल लेंगे। ये हमारा खोवा है लगभग 400 ग्राम घर का, हमने अपने खुद देखिए बनाया है। इसको भी थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। तो देखिए हमारा खोवा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसी में हम खोवा निकाल ले रहे हैं, ये बड़ा हमारा प्रातः है। ये हमारा 200 ग्राम पीसा हुआ चीनी है, एक चम्मच ये इलायची पाउडर पीसा हुआ है। अब हम सारा मिला लेंगे अच्छी तरह। तो देखिए कितना अच्छा हमने मिला दिया है, ये देखिए बहुत गजब का हमारा सूजी और खोवा का मिक्सचर बन चुका है ड्राई फ्रूट का। अब हम आगे फिर बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गया है लगभग, अब हम चल रहे हैं गैस के तरफ। देखिए कितना बढ़िया। तो अब हम लोई काट ले रहे हैं, ऐसे लंबे में कर लेंगे। तो इतना बड़ी बड़ी हम लोई सारी काट लेंगे इसे। तो देखिए हमने सारा लोई काट लिया है, अब इसको हम ढक के रख देंगे। एक एक लोई हम ऐसे निकाल के इसमें से बनाएंगे। तो देखिए हम चकले पर गोली बना रहे हैं, इसके बाद ऐसे इसको दबा के ऐसे इसको बेल लेंगे। तो देखिए बन गया है, ये रोटी से बहुत पतला है और देखिए इसका ये बराबर शेप होना चाहिए चारों तरफ। तो अब हम इसको स्टेप में इसके ऐसे रखेंगे और एकदम ऐसे थोड़ा सा इसको खाल कर देंगे। देखिए तो अब इसका बेटर हम भर रहे हैं। तो देखिए इसको हम एक चम्मच, हमारा चम्मच बड़ा है इसीलिए हम एक चम्मच इसको बीच में रखना है। देखिए और इसका हम
ये किनारे इसको घोल बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा इसमें एक चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह घोल लेंगे ताकि हमारा ये खुले नहीं गुजिया फ्राई करते समय। तो देखिए हमने अच्छी तरह इसको घोल लिया है। अब इसको हाथ से ऐसे इसके चारों तरफ किनारे इसे लगा देंगे ताकि ये जैसे फ्राई करते समय ये खुले नहीं। तो अब हम इसको दबा देंगे ऐसे, देखिए ये देखिए। अब इसको ऐसे निकाल लेना है जो एक्स्ट्रा आटा निकला है बाहर, देखिए। अब इसको हम ऐसे आराम से खोलेंगे क्योंकि अगर जल्दी से खोलेंगे तो ये खुल भी सकता है, देखिए। अब इसको हम निकाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा बना है। ऐसे हम सारा बना लेंगे। तो देखिए हमने बना के ऐसे रखते जा रहे हैं, और ऐसे ये हल्का कपड़े से मुलायम करके इसे रख देना हल्का पानी लगा के। तो देखिए हमने सारा बना लिया है, ये देखिए दो थाली में हम ये देखिए बना के रखे हैं। तो अब हम तो देखिए हमने गैस जला दिया है, कड़ाही रख दिया है। तो देखिए हमारा कड़ाही गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल फॉर्च्यून डाल रहे हैं। तो देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गुजिया को डाल देंगे, देखिए आज मीडियम होना चाहिए, बहुत हाई नहीं। तो देखिए हम धीरे धीरे इसको पलट देंगे ताकि दोनों तरफ अच्छे से हो जाए, और मीडियम आंच पे इसको पकाना है। तो देखिए आप लोग चारों तरफ हमने अलट पलट के हुआ दिया है। अगर ज्यादा गुजिया कड़ाही में रहता है तो गुजिया नाश्ता नहीं है, बार बार पलट के एक ही तरफ नहीं होता है। इसीलिए अगर जितनी बड़ी कड़ाही रहे तो उतना गुजिया 10-15 कम से कम एक बार में हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा गुजिया हो रहा है, ये देखिए पलटने पे नाच नहीं रहा है, कितना अच्छे से हमारा चारों तरफ हो गया है। अभी थोड़ा और इसको हम ब्राउन करेंगे। तो देखिए गुजिया कितना अच्छा सुनहरा कलर में आ गया है, गोल्डन हल्का। ऐसे गुजिया ब्राउन होना चाहिए, हल्का सुनहरा। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। और एक भी गुजिया हमारा खुला नहीं है क्योंकि हमने जो पानी और जो है मैदा का घोल बनाया था इससे जो है वो बढ़िया से उसका बैंड पकड़ लेता है, गुजिया खुलता नहीं है। तो देखिए आप लोग कैसे कितना सुंदर कितना फ्रेश गुजिया है, ये देखिए। इसी तरह हम दोबारा बैच भी छान लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो हम इसको भी दूसरे थाली में निकाल लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा हमारा ब्राउन कलर में हुआ है, इसीलिए हम दूसरे थाली में निकाल लें, नहीं तो टूट जाएगा। खस्ता बहुत अच्छा हुआ है। तो अब हम सर्व करके दिखाएंगे। हेलो माय मीना, होम चलो बोलो। हेलो दोस्तों, देखिए हमारा गुजिया बनके बहुत अच्छा तैयार हो गया है और बहुत मेहनत से हमने बनाया है। आप लोग जरूर हमारे इस गुजिया को देख करके हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। अच्छा लगे तो और शेयर जल्दी से जल्दी करिए सबके पास। तो कल होली है, आज हमने इसलिए बनाया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।